प्रतिति में उसकी सतबुद्धि होती है, उसको अपमान सच्चा लगेगा, दुखी होगा, मान सच्चा लगेगा, सुखी होगा, आसक्त होगा। मैं चाहता हूँ कि उसकी रक्षा करते करते उसको सुख दुख दोनों से पार करके मैं अपने स्वरूप का उसको दान कर दूँ। ये तो मैंने कुछ नहीं उसकी सेवा की, मैं तो अपने आप को दे डालने की भी सेवा का इंतजार करता हूँ। शिष्य ने जब जाना कि गुरु लोग इतना ही उदार होते हैं, इतना देना चाहते हैं, शिष्य का हृदय और भी भावना से गुरु के सत्संगों से पावन होता है। साधक की अनुभूतियां, साधक की श्रद्धा, साधक की तत्परता और साधक की फिसलाहट, साधक का प्रेम और साधक की पुकार गुरुदेव जानते हैं। गुरुवाले ने कहा, वत्स, मैं तेरी कमजोरियां जानता हूं, तेरी पुकारों को भी सुनता हूं और कभी कभी तेरी पुकार सुनते हुए भी मैं तेरी उन स्थितियों को, तेरी उन कठिनाइयों को तुझे सहाना चाहता हूं ताकि तू कुंदन बन जाए, ताकि तेरी सहन शक्ति बढ़ जाए, ताकि तुझे संसार की नश्वरता दिखने लग जाए। और जब तू एकदम विवल होता है तो मैं चिदाकाश स्वरूप तुझे चित्त में प्रेरणा देता हूँ। तू बाहर के सहारे छोड़कर बार बार मुझसे अंतर्यामी चैतन्य स्वरूप से तू मुलाकात की करना। तुझे मैं देखता हूँ इस आकृति में, लेकिन मैं तेरा आत्मा बनकर बैठा हूँ, वो मैं चिदाकाश हूँ। तू चाहता था मुझे गोप्य अनुभव सुनाओ, मैं तुझसे क्यों छुपाऊंगा। अरे जो नहीं सुनना चाहते हैं तेरे निमित्त उनको भी सुना लिया करता हूँ। मैं तो उतना इंतजार करता हूँ कि तू जल्दी से जल्दी मैं हो जा और मैं तू हो जाऊं। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अपना अनुभव बरसाते हैं, युद्ध के मैदान में अर्जुन श्री कृष्ण का गोप्य अनुभव सुन सकता है। तो ये साधक सत्संग की सभा में मैं अपना गोप्य अनुभव तुझसे गोप्य क्यों रखूंगा वत्स। जो जो तेरी बुद्धि का विकास होगा, जो जो तेरी साधना की तीव्रता होगी, जो तू इस गोप्य अनुभव को तो ठीक से जानेगा। अभी तो गोप्य अनुभव की थोड़ी भाषा सुनी है, गोप्य अनुभव का जब तुझे साक्षात्कार होगा तब तो त्रिभुवन में ऐसी कोई पदवी नहीं जो तुझे लालायित कर सके, विश्व में ऐसा कोई सुख नहीं जो तुझे बांध सके, विश्व में ऐसी कोई ऊंचाई नहीं जो तेरे उस आत्म साक्षात्कार के ऊंचे पद के आगे अपना महत्व दिखा सके। साधक, तुझे वहीं ले जाऊंगा और तू मुझे साथ देना, तू चलते रहना। हरी हरी ओ शीतोष्ण सुख दुखेशो तथा मान अपमानयो। शीतोष्ण और सुख दुख में और मान अपमान में, इस सब प्रतीति में साधक का ज्ञान ज्यों का त्यों रहे,
ऐसा वो यत्न करता है। कभी उसका यत्न सफल होता है और कभी पुराने संस्कार जोर करते हैं तो फिर चलता है। फिर भी असाधक था तो जितना दुखी होता था उतना दुखी सुखी तो नहीं होता है। इसलिए उस साधक की अनुभूति से गुरु के चित्त को संतोष होता है और साधक गुरु को विशेष संतोष हो इसलिए सम रहने का यत्न करता है। आलस्य साधक को नहीं शोभता है। मत मतांतर की और पार्टीबाजी की उलझन में साधक नहीं उलझता है। साधक सत्कर्म करता है, दान करता है तो दान का दुरुपयोग तो न होगा उसकी निगाह रखता है। अपने इलाकों में सत्कर्म करता है लेकिन मूर्ख बनकर नहीं, सावधान बनकर करता है। साधक को कोई गुरु के नाम से या आश्रम के नाम से पता ले उससे साधक सावधान रहे। साधक सत्कर्म करे, साधक यज्ञ याग दान पुण्य सेवा कार्य करे लेकिन उसके तन का, उसके मन का, उसके धन का ठीक ईश्वरीय कार्य में सदुपयोग हो। तुम्हारे धन का, तुम्हारे समय का, तुम्हारे जीवन का क्या परिणाम हो रहा है उस पर तुम निगाह रखना तो तुम सावधानी से इस प्रतिथि के आकर्षण से बचकर प्राप्ति में चल जाओगे। एक सेठ ने दो कारें रखी है, चार कुत्ते रखे हैं, छह नौकर रखे हैं। आधा दर्जन साधकों का जीवन उन्नत हो सके उतना सारा खर्चा तो कुत्तों के पीछे करता है लेकिन देखे कि उसका परिणाम क्या होगा। और तो क्या कहें कि आते जन्म में वही लालिया बनने की तैयारी कर रहा है। साधक ऐसे व्यर्थ की चेष्टाएं व्यर्थ के खर्च नहीं करता। साधक का बहुत सारा समय अपने साथी के प्रसन्नता के लिए जाता है। साधक खाता है, कमाता है, लेता है, देता है लेकिन लेना देना प्रतीति समझता है। लेने देने खाने पीने के बीच भी अपने प्राप्त को याद करता है। प्राप्त परमात्मा है और प्रतीति संसार है। इस प्रकार का ज्ञान पाकर साधक सजग हो जाता है। ओ प्रशंसा करके विदाई लेते हैं। भीष्म से युधिष्ठिर समता का ज्ञान सुनकर राग द्वेष रहित होकर परम पद में स्थित होने का यत्न करते हैं। साधक और शिष्य का संवाद सुनकर सत शिष्य अपने सत्य स्वरूप की यात्रा करने का दृढ़ संकल्प करते हैं और सदा प्राप्त स्वभाव में सोहम स्वभाव की स्मृति करके संत आत्मरामी होते हैं और भीष्म भी अपनी बाहर की आंख बंद करके जिससे आंख देखती है उस आंख दाता में विश्रांति पाते हैं। हरि हरि ओ सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निपट लेना चाहिए। सत्व गुण बढ़ता है, बुद्धि में प्रकाश होता है, बहुत लाभ होता है। अपने को हल्के आहार से, हल्के संग से, हल्के विचारों से बचाने के लिए, हल्के संग से बचाने के लिए सत्संग की शरण, हल्के आहार से बचाने के लिए शुद्ध आहार, शुद्ध और हल्की समझ से बचाने के लिए शुद्ध समझ का सहारा, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का नाम जप से समझ शुद्ध होती रहती है। इसलिए सुबह हर रोज परमा का जाप, गुरु मंत्र का जाप करते हुए अपनी समझ को, बुद्धि को तीव्र करते जाएंगे। नारायण नारायण नारायण। तुमने तितिक्षा भी सही, तुमने अनुशासन सहा और मुझको तुम प्रेम करते रहे। तुम नीचे बैठे और मुझे ऊपर बिठाया, ये तुम्हारी उदारता है। तुम मेरे लिए पलकें बिछाते रहे,
मैं तुम पर कभी बरसा तो कभी ताड़न भी किया, लेकिन तुम्हारे चित्त ने कभी फरियाद नहीं की। गुण ढूंढ लिया था कि जो कुछ होता है हमारी उन्नति के लिए होता है। हमारी प्रेम सदाई है, ईश्वर के नाते हमारी मुलाकात है। ईश्वर करे शिविर की तो पूर्णाहुति होती है, लेकिन तुम्हारी साधना की पूर्णाहुति तब हो जब पूर्ण परमात्मा में विश्रांति मिल जाए। अब तुम घर जा रहे हो, लेकिन भोजन करके ही जाओगे। भोजन करने के बाद घर जाना ठीक है, नाश्ता ले लो। जिनको बहुत जरूरी है उनको हम शरीर से तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन दिल को दिल से तो उनको भी रोकते हैं कि तुम तब तक रुके रहना मेरे अनुभव को, जब तक तुम अपना अनुभव नहीं बनाते हो तब तक तुम रुके रहना साधन में। तुम साधन में रुके रहना, कहीं साधन को छोड़ मत देना। कहीं ईश्वर प्राप्ति की इस मीठी भूख को, ईश्वर प्राप्ति की इस धकस को कहीं तुम भूल मत जाना। तुम भुलावने प्रदेश में जा रहे हो, तुम भुलावने प्रदेश में और भुलावे में डालने वाले लोगों के बीच जाओगे। तुम एक होगे और भुलाने वाले अनेक होंगे। फिर भी साधक मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें छुट्टी देता हूं। मत जा रहे जोगी, जिनको नितांत आवश्यक हो वो नाश्ता लेके जाएं और बाकी के सब लोग भोजन करके ही जाएं। भोजन करने के पहले थोड़ा सा सत्संग हो जाएगा तो हो ही जाएगा। शिविर की पूर्णाहुति दोपहर के बाद ही घोषित करें तो अच्छा लगेगा। फिर भी जिनको बहुत जल्दी है वो नाश्ता करके जा सकते हैं और बाकी के लोग जाए। ऐसा तो नहीं बोलता हूँ, मत जा बुलवा रहा हूँ। ये प्रेम भक्ति का मार्ग न्यारा है। संसार को पता नहीं चलता, ये संसार की आंख से नहीं देखता है। ये प्रेम हाड़ मास के परतों को चीर कर भरत और राम का प्रेम सहोदर होने के नाते नहीं है, प्रेमी होने के नाते उनका प्रेम है। प्रेम सहोदर या परोदर नहीं देखता है, प्रेम जात पात नहीं देखता, प्रेम देश काल की दूरी नहीं देखता। प्रेम तो एक दूसरे में अपने प्रेमास्पद को देखता है। ए साधक, तुझे थकान हुई होगी तेरे शरीर को, तेरे प्राणों को भूख और प्यास लगी होगी, लेकिन तुझे तो मेरे अनुभव की प्यास है और मुझे तेरी उन्नति की प्यास है।
तू मत जा मत जा मत जा जो तन से तो तुम अलविदा ले ही लेते हो, लेकिन मन से तुम अलविदा नहीं ले पाओगे। ये तो मुझे पूरा पक्का अनुभव हो रहा है। तुम्हारा मन कितना इन चार दिनों के भीतर भीतर कितना प्रेम से, भाव से, स्वाभाविकता से भरा था, इसलिए शरीर से तो तुम जाते हो, मन से तुम नहीं जा पाओगे और हम जाने भी नहीं देंगे। ओम ओम। मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा पांव परों में सो ही सोई मत जा मत जा मत जा तीन भक्त को मार को जान रहे हैं। माँ के घर से जब बच्ची जाती है ससुराल, पिता का घर छोड़कर जब जाती है पराहे घर, बच्ची को जो व्यथा होती है उससे भी साधक को अधिक व्यथा होती है, क्योंकि वो माँ बाप एक जन्म के हैं, लेकिन परमात्मा तो सदियों का हमारा माँ बाप है, परमात्मा तो युगों से हमारा माई बाप है। बच्ची को तो पति का घर मिलता है, हमको तो संसार में मौत का घर मिलने वाला है। हम परमात्मा और साधना रूपी माई बाप को छोड़कर पति के घर नहीं जा रहे हैं, परपंच में जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, इस परपंच में भी संभल संभल कर रहना, इस परपंच में संभल संभल कर कदम रखना। जैसे गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ को संभालती है, संभल संभल कर कदम रखती है, ऐसे ही तुम इस साधना को संभालते रहना। गर्भिणी स्त्री अपने उदर से हर मास के बच्चे को जन्म देगी, लेकिन तुम संभल संभल कर रहना, क्योंकि तुम्हारे दिल से उस दिल पर का प्रागट्य होना है, तुम्हारे दिल से उस परमात्मा की उपलब्धि होनी है। तुम संभल संभल कर इस संसार अरण्य में कदम रखना। चहु और राग द्वेष के कांटे हैं, ममता की खाइयां हैं, अहंता के टिल्ले हैं,
इन अहंता और ममता की खाइयों से टिल्लों से अपने को बचाते रहना। इस परपंच में जाते तो हो लेकिन संभल संभल कर कदम रखना। इन चार दिनों में पांच दिनों में मिली हुई परमात्मा साधना को तुम बढ़ाते रहना, परमात्मा प्रीति को तुम बढ़ाते रहना। तुम अपने दिल की रक्षा करना, अपने प्रीति की अपने भावों की रक्षा करना। जैसे गर्भिणी स्त्री गर्भ को संभालती है ऐसे ही तुम भी अपने साधना के गर्भ को संभालना। वो तो एक बच्चे को जन्म देगी लेकिन तुम्हारी दिल से परमात्मा के जन्म की संभावना है। तुम इस साधना रूपी गर्भ को संभालते रहना, इसे बढ़ोतरी देते रहना। तुम्हारे दिल से वो अनंत का प्रागट्य होगा। तुम परपंच की ओर जा रहे हो। बच्ची माँ का घर छोड़ती है उसे जो व्यथा होती है, बच्ची माँ का घर बाप का घर छोड़ते समय जो अकेलापन महसूस करती है, परायापन महसूस करती है, उससे भी अधिक तुम महसूस करते होंगे। जाते समय तुम्हें लगेगा कि हम अब परपंच में पराये और जा रहे हैं। संतों का घर माँ बाप के घर से भी मधुर घर था, परिवार के घर से भी मधुर घर था। तुम्हें महसूस हो रहा है माँ बाप दहेज में तुम्हें संसारी पदार्थ देते हैं, हीरे मोती और जवाहरात देते हैं, और संत तुम्हें दहेज में ऋषियों के वचन देते हैं, प्रभु के उपदेश देते हैं। उसको तुम दोहराते रहना, उन गहनों से अपने दिल को सजाते रहना। बच्ची गहनों से अपने शरीर को सजाती है, साधक गहनों से अपने दिल को सजाता है। तुम अपने दिल को सजाते रहना, इन सत्संग रूपी गहनों को संभाले रहना। जो जो सुंदर सुंदर गहने हैं, जो जो सुहाने सुहावने गहने हैं, सत्संग से तुम्हें जो कुछ उपलब्ध हुए हैं गहने, साधना रूपी उत्सव में जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसको तुम पहनना। उससे तुम्हारी शोभा बढ़ेगी, उससे तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा, उससे तुम्हारा व्यक्तित्व बढ़ेगा। बच्ची गहने पहनती है उसकी शोभा बढ़ती है, उसका प्रभाव बढ़ता है, वह दुल्हन दिखती है। लेकिन दुल्हन दुल्हन माँ बाप के घर को तो उस दुल्हन के श्रृंगार से भी अधिक प्यार करती है, अधिक मान की निगाहों से देखती है। जैसे पप्पा या मम्मी अपनी बेटी को बुलाने की आशा रखते हैं, ऐसे ही आशाराम भी आशा रखता है तुम फिर से आना। इस परपंच से तुम फिर उब जाओगे, थक जाओगे, फिर माय के घर को आते रहना। ये माय के का द्वार तुम्हारे लिए खुला है, ये माय के का घर बच्चों के लिए खुला है, बच्चों के लिए खुला है। पंछी रातु विदाए लेजे, अब अलविदा की घड़ियां है, आखिरी क्षण है। संभलते संभलते जाना, संभलते संभलते खाना, संभलते संभलते बोलना, संभलते संभलते जीना, संभलते संभलते आना। इस कंठी के लिए मार्ग पे
इस संसार रूपी अरण्य में तुम एक एक कदम संभाल के रखना, एक एक मिनट संभाल के गुजारना, क्योंकि तुम्हारा वक्त बड़ा कीमती है और ये जंगल में बड़े बड़े तिश्मर खान भी उलझ गए। इस संसार रूपी अरण्य में तुम उलझना मत, परपंच में तुम जाते तो हो लेकिन प्रिया को पुकारते रहना, उस मालिक की बंदगी करते रहना, प्रभु की याद करते रहना, इस ध्यान को दुलाते रहना, इस ज्ञान को संभालते रहना। हे पंछी, तेरा मेला था, 5 दिन का तेरा मेला पूरा हुए जा रहा है, 5 दिन की तेरी शिविर पूरी हुए जा रही है। हे पंछी, जिस डाल पर रही, अपने पंखों पे भरोसा करना, डाल पर भरोसा न रखना। तू जिस डाल पे बैठे बैठना, मेरी मना नहीं रे पंछी, लेकिन तू अपनी पंखों को सजाए रखना, अपने ज्ञान और वैराग्य की, अपने योग और वेदांत की पंखों को पसारते रहना। तू हर डाल पर गुनगुनाना, हर डाल पर गीत गाना, लेकिन भरोसा अपनी ज्ञान और भक्ति की पाख का रखना। मेरे पंछी, संसार रूपी जंगल में तू जा, लेकिन तेरी पाखें अगर मजबूत है, डाल हिले तो तुझे कोई परवाह नहीं, डाल गिरे तो तुझे कोई परवाह नहीं, जंगल को आग लगे तो तुझे कोई परवाह नहीं, तेरी पाख मजबूत बनाए रखना मेरे पंछी। ओ संसार का कुछ बने तो तुझे परवाह नहीं, कुछ हिले तो तुझे परवाह नहीं। पक्षी तब तक मस्त होता है जब तक उसे पंख मजबूत होती है। साधक की ज्ञान और भक्ति की पंख, ज्ञान और वैराग्य की पंख है। संसार रूपी अरण्य में जाए, नाचे, एक डाल से दूसरी डाल, एक पेड़ से दूसरी पेड़ जाए, वृक्षों का आनंद ले, लेकिन भरोसा अपनी पाख पर रखे। सुंदर सोने के पिंजड़े में जो पक्षी बंद जाता है, उसके उड़ने की शक्ति नाश हो जाती है, वो क्या खाक जीता है? सोने के पिंजड़े में रहा हुआ पक्षी क्या जीता है? वो तो मौत में पड़ा है। जो रूखा सूखा खाकर भी अपनी पाखों पर जीता है, सादा सुधा खाकर भी अपनी पंखों पर जीता है, वह पक्षी जीने का मजा लेता है और अपने गंतव्य स्थान तक जाता है। दिन भर तो उन वृक्षों पर नाचता है, कूदता है, शाम को अपने घोंसले में आ जाता है। ऐसे दिन भर तुम संसार व्यवहार करना, शाम को अपने आत्मरूपी परमात्मा रूपी घोंसले के तरफ आ जाया करना। शिविर में जो तुमने प्रयोग किए, उस घोंसले के तरफ हर रोज रात्रि को तुम चले आना, तुम्हारी आंखें मजबूत हुए चली जाएगी, तुम्हारा ज्ञान बढ़ता चला जाए, तुम्हारी भक्ति बढ़ती चली जाए। आशा राम और तुम्हें क्या दे, कौन से गहने तुमको दू, पिता और माता क्या क्या बच्ची को दे, बच्ची सुखद से जीवन गुजारे, इससे भी हजार गुना दिल गुरु का होता है। तुम्हें क्या जाते समय कहूँ, कौन सा गहना तुम्हें संभला दूं, कि तुम सुंदर रहो, तुम सुहावने रहो, तुम सतर्क रहो। ऋषियों के गहने तुम्हें मैं संभला रहा हूँ, भगवान के वचन रूपी गहने में तुम्हें दिए जा रहा हूँ। अपनी पंखों को तुम प्रयोग में लाते रहना, जो पक्षी पिंजरे में पड़ा है, पंखों का प्रयोग जो भूल गया है, वो पक्षी लाचार हो जाता है। तुम सत्संग की पंखों का प्रयोग प्रतिदिन करते रहना। आशाराम का शरीर होगा तब तक तो तुम्हारी सेवा करेगा, यहाँ रहेंगे तब तक तो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करते ही रहेंगे, लेकिन तुम अपनी पंखों को मजबूत किए जाना।